हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी वीडियो सब, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। आप सभी का आईपीएस पीओ का एग्जाम शुरू होने वाला है कल से, 23rd और 30th, इस दो डेट्स पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो अब जब आप एग्जाम में जा रहे हैं, तैयारी आपने अच्छे से कर ली है, अब बारी है परफॉर्म करने की। और जो गलतियाँ आप एग्जाम में कर सकते हैं, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है एग्जाम में हम लोग कुछ गलतियाँ कर लेते हैं और बाद में सोचते हैं अगर ये गलती नहीं की होती तो मैं थोड़ा सा अच्छा हो जाता। तो वो सब गलतियाँ अगर आपको पहले पता चल जाए और उस पर आप अगर जाकर के एग्जाम में कंट्रोल कर पाओ, वो गलती अगर आप नहीं करो तो आपके पेपर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए मैं लेके आऊँ आप सभी के लिए यहाँ पे पेपर अटैम्प्ट स्ट्रेटजी, जहाँ हम लोग जानेंगे तीनों के बारे में, कैसे कैसे हमें करना है, कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं और किस तरीके से हमें अपना अप्रोच रखना है। मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हैं और मैंने स्कोर भी किए हैं, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे किस तरीके से मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम 85.75 मैंने स्कोर किए थे, वो भी बताऊंगा आपको। तो वीडियो को बिल्कुल देखिएगा बिल्कुल अंत तक अच्छे से और सब कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा और इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा अपने एग्जाम में। अगर आप फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपके जो स्कोर हैं वो यहाँ पे बूस्ट हो जाएंगे, आपके स्कोर यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर से यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अगर आप जानते ही हैं कि यहाँ पे तीन सेक्शन होते हैं जिसमें आपको हर एक सेक्शन में सेक्शनल कट ऑफ होती है जिसे आपको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आप नहीं क्वालिफाई करेंगे सेक्शनल तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक ओवर और कट ऑफ देखने को मिलती है जिसे आपको क्लियर करना होता है और कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर। इसके बारे में आपको अभी सोचना नहीं है। ये अगर लास्ट ईयर का देखें तो 49 के आसपास गई थी, 50 के आसपास गई थी और लास्ट ईयर 50 के आसपास, तो आप कह सकते हैं कि और कई बार इसके कट ऑफ 61 के आसपास भी गए हैं, 57 भी गए हैं। तो कट ऑफ के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, बस आपको अपना बेस्ट देना है, इसे उसके आप एग्जाम में देने जाएं। और ये तो मेरा स्कोर कार्ड है जब मैंने स्कोर किया था और चैनल पे अवेलेबल है, आप टिकट चैनल दे सकते हैं। दस दिस फॉर योर मोटिवेशन, आपके मोटिवेशन के लिए। यहाँ इंग्लिश से मेरे स्कोर जो आए थे 24.50 और कट ऑफ जो गई थी वो 10 गई थी। क्वांट मेरे 41.50 थे, कट ऑफ गई थी यहाँ पे 9 और रीजनिंग में 29.75 और यहाँ जो मेरे स्कोर थे, सॉरी स्कोर 29.75 थे और कट ऑफ जो गई थी वो यहाँ पे 10 गई थी। ओवरऑल कट ऑफ जो थी ये 2021 का है 50.50 और मेरा जो स्कोर यहाँ पे था वो था 85.75। तो ऐसा नहीं है आप भी इतना स्कोर कर सकते हैं, बस आपको सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। और ये चैनल है जहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर करता हूँ मैं, तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, और ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन इससे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये कुछ चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है अपने प्रीलिम्स एग्जाम से लेके मेंस एग्जाम की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इन सब इनको आप फॉलो कर सकते हैं। और डेली लाइव क्लास करने के लिए मुझसे आप अनअकैडमी जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे आकर के मुझे फॉलो कर लीजिएगा और मेरे क्लासेस को रेगुलर देखिए। यहाँ पे मैंने कल परसों मैंने करवाए हैं, कल मैंने करवाए हैं और आईबीपीएस पीओ के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर रीजनिंग और क्वांट दोनों के, इससे अगर नहीं देखें देख लीजिएगा। और बाकी क्लासेज आपको यहाँ पे डेली चल रही होती हैं, दो क्लासेज मेरी आ रही होती हैं डेली, मेंस की और प्रीलिम्स की, उससे आप ज़रूर से ज्वाइन करें और अपने तैयारी को अच्छा करें, एग्ज़ाम को क्लियर करें। और ये मेरा कोड है, अगर चाहते हैं अनअकैडमी परचेस करना प्लस या आइकॉनिक तो इस कोड का आप यूज करेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगी मैक्सिमम डिस्काउंट। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको सिंपल दो चीज़ फोकस करना है, पहला आपको अटेम्प्ट करना कैसे है। तो मेरे हिसाब से करना क्या चाहिए आपको, जो इन तीनों सेक्शन को छोड़ करके, मतलब आरसी पैरा जंबल जंबल टेस्ट इन तीनों को छोड़ करके, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं भी दिख जाए जहाँ भी दिख जाए आप उससे क्वेश्चन की अपने पेपर की स्टार्ट कर सकते हैं। एयर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कनेक्टर्स, फिलर्स, क्रोस्टे, वर्ड स्वैप, ये सारी चीज़ें काफ़ी आसान होती हैं और इसमें आपका समय कम जाता है। तो पहले इन चीज़ों करेंगे, पहली प्रायोरिटी आपकी ये सब होगी, उसके बाद आप जब ये आपका कंप्लीट हो जाए फिर आप यहाँ पे जंबल सेंटेंस, पैरा जंबल और फिर आप आरसी यहाँ पे कर सकते हैं। आरसी में ध्यान रखेंगे अगर आपके पास समय कम बचता है, आरसी का जो नॉर्मल जैसा पीओ लेवल में आता है वैसे ही आपका आएगा, उसमें दो तीन क्वेश्चन आपके वोकैब के होंगे, एक आपके फिलर्स के होंगे, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होंगे। तो आप अगर टाइम आपको कम बचता है तो आप वहाँ पे वोकैब एंड बाकी फिलर्स काम कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपको करना कैसे, और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ पहली चीज़ अटेम्प्ट करना कैसे, सेकेंड चीज़ आप यहाँ पे एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप यहाँ कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने की जगह पे अगर आप सही अटेम्प्ट कम कर पा रहे हैं तो भी सही है, ठीक है। आपको एक्यूरेसी पे काम करना है जिससे आपका स्कोर अगर 20 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, ऐसा ना हो कि आप इतना निगेटिव कर दें जिससे स्कोर आपका काफ़ी कम हो जाए। इन बातों का ध्यान रखेंगे बाकी इंग्लिश आपका बढ़िया होगा।
रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग आपको दो तरह चीज देखने मिलेगी, मिसलियस क्वेश्चन और पजल्स। तो देखना लास्ट ईयर देखा गया कि कई शिफ्ट में 26 क्वेश्चन तक आपके पजल्स के आए थे, यानी कि आप कह सकते हैं ना आपके 9 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिसलियंस के थे। हो सकता है यहाँ भी आपको कल भी आपको देखने को मिल जाए, इस पेपर में आपको देखने को मिल जाए यहाँ पे 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन से 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास पजल्स आए। तो आपको करना क्या, पहले आपको ये सॉल्व करना है मिसलियंस क्वेश्चन, उसके बाद जैसे आप आएंगे आपको पजल्स में आपको ये सारी पजल्स देखने को मिलेंगी। और मैंने करवाई भी है प्रैक्टिस आपको, और आपने भी अच्छे से की होगी प्रैक्टिस। तो फिर आपको वहाँ पे वो चूज करना है जो बहुत लेंदी नहीं होते हैं, जो आपको जिस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जैसे कि अगर अनसर्टेन आ रहा है, अनसर्टेन लीनियर, ये इसके प्रैक्टिस मेरी अच्छी है तो मैं इसे अच्छे से कर सकता हूँ, इसे आप पहले कर सकते हैं। इस तरीके से आप पजल्स को प्रायोरिटाइज करके आराम से अटेम्प्ट करते हैं। बहुत लोगों को ईयर एज वाले में बहुत दिक्कत होती है, आप इसे ना करें, आप बाकी पजल्स को पहले करें। बहुत लोगों को बॉक्स में दिक्कत होती है, इसे आप बाद में करें, बाकी चीज़ों को आप पहले करें। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका रीजनिंग जो है काफ़ी स्मूथ होगा, अच्छा होगा। और एक चीज़ और, अगर आपका अटेम्प्ट कम हो रहा है, मान लो कि रीजनिंग पहले आया, आपके अटेम्प्ट यहाँ पे 19 हुए, लेट्स से 19 हुए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम खराब हो गया। हो सकता है पेपर का लेवल ही ऐसा रहा हो कि 19-20 के आसपास ही अटेम्प्ट हो रहे हों, तो इससे ये सोच करके आपको नेक्स्ट सेक्शन जो आपके आने वाला है उस पर आपको इम्पैक्ट नहीं करना, उसे खराब नहीं करना, उसे भी फुल जोश के साथ उसी तरीके अच्छे से अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। बाकी आप अच्छे जानते हैं रीजनिंग के बारे में, आप अच्छा करते आ रहे हैं और आपका अच्छा एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वांट की तरफ। क्वांट में आपको आप सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, यानी कि स्पीड मैथ से आप ज़्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा। नंबर सीरीज में आपको पाँच क्वेश्चन देखने को मोस्टली मिल जाएगी, रॉन्ग आए या मिसिंग आए, और इन इन दोनों में आपको हो सकता है कोई एक ही चीज़ देखने को मिले या फिर एक भी देखने को ना मिले। तो स्पीड मैथ से आप 5 से 10 क्वेश्चन की ही उम्मीद करें, उससे ऊपर उम्मीद नहीं कीजिएगा। अब बात रहेगी DI की, अर्थमेटिक की। तो DI अर्थमेटिक में क्या टफ आएगा, कौन ज़्यादा कठिन होगा, कौन ज़्यादा लेंदी होगा, ये चीज़ आपको एग्ज़ाम में ही डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ ईयर देखा गया कि पहले अर्थमेटिक काफ़ी वेरिएबल वेज आते थे, काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ा था, और लास्ट 2 ईयर देखा जा रहा है कि DI के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी लेंदी आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और उसे करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, गिवन टाइम फ्रेम में समय ज़्यादा लग जाता है। तो आप जब आपकी DI लेंदी आए तो आप अर्थमेटिक को करेंगे, अर्थमेटिक लेंदी है आप DI करेंगे, या फिर दोनों लेंदी आ रही है तो फिर आपको वहाँ से भी क्वेश्चन को चूज करके अच्छे से करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप स्किम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे, 5 पे क्लिक करें, 12 पे क्लिक करें, नहीं, आपके स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपको आ रहा है तो करते जाएं, अदरवाइज थोड़ा सा संभल कर रहना है आपको। और नंबर सीरीज की बात करें, नंबर सीरीज में ज़रूरी नहीं है आपके पाँचों क्वेश्चन आपके जो लॉजिक हैं वो आपको स्ट्राइक कर जाएंगे। हो सकता है आपके बगल में जो बैठा बंदा हो उसके माइंड में लॉजिक आ जाए, जिस क्वेश्चन का वो सेम लॉजिक आपके माइंड में स्ट्राइक ना हो, इसलिए ईगो पर लेना है, आपको आराम से अपना बेस्ट देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ज़्यादा समय इस पर नहीं लगाना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है। स्किप करने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। और कैसलेट DI स्पेशली मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ, कैसलेट DI ऐसा देखा गया है कई सालों से कि कई सेप्स देखा गया है कि कैसलेट DI जो आती है वो बाकी DI कंपेरिजन में थोड़ी सी ईजी होती है। जैसा कि मैंने कल भी मॉक में करवाया था, वहाँ भी कैसलेट DI बाकी DI से काफ़ी ईजी थी। एक बार वो मॉक तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसे सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, रीजनिंग के भी और क्वांट के भी। तो आप कैसे DI को स्किप न करें, ऐसा ना मान चले हमेशा कैसे टफ आती है, नहीं ऐसा नहीं है, कैसे DI भी डुएबल आती है, बाकी DI से डुएबल हो सकती है, तो आप इसे भी प्रायोरिटाइज करके इसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप देख लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नोट, बहुत सारे DI में, ट्रिपल DI में आपको नोट के कुछ पॉइंट लिखे होंगे, तो नोट के पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना है, उसे पढ़ना है, वहीं से आपका DI सॉल्व होगा। ये कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वांट सेक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तीनों के बारे में। ओवरऑल मैं बता दूँ एक और चीज़, आप ध्यान क्या रखेंगे, अगर आप एवरेज अटेम्प्ट भी करते हैं ना, अगर आप एवरेज अटेम्प्ट करते हैं तीनों सेक्शन में, तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक सेक्शन में बहुत अच्छा करना है। हाँ, ऑब्वियसली आपको अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है, लेकिन अगर आप एवरेज भी सही सही कर लेते हैं, लेट से आपने क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों में एवरेज आपने 22-22 स्कोर कर लिए, तो भी आपका आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अपने आप को बिल्कुल लिमिट मत करना कि हम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए इतना करके छोड़ देंगे, नहीं, आपको हमेशा मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है। अगर मैक्सिमम, अगर 100 क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं तो आपको 100 क्वेश्चन भी कर देना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैंने 70 क्वेश्चन कर लिया, इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी नहीं, क्या पता क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी आ गया आपका, है ना। इसलिए आपको लिमिट नहीं करना है, आपको अपना बेस्ट देना, मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है तीनों सेक्शन में, ठीक है। और किसी भी सेक्शन में अगर स्कोर आपका कम हो जाए, आप अटेम्प्ट कम हो जाए, इसका मतलब ये मत समझना कि आपने उसमें खराब परफॉर्म किया है।
हो सकता है पेपर का लेवल ही वैसा हो, इसलिए आप उसका उसका जो इम्पैक्ट है बाकी सेक्शन पे नहीं होना चाहिए, बाकी सेक्शन को आप बिल्कुल इंडिविजुअली अच्छा करने की कोशिश कीजिएगा। इन सभी बातों को फॉलो कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और एग्ज़ाम फिर जाने से पहले जो चीज़ें होती है फॉर्मेलिटीज, एडमिट कार्ड, दो फोटो एंड पेन, ट्रांसपेरेंट पेन, ये सब चीज़ आप लेके जाइएगा, अपने आईडी प्रूफ के साथ जाइएगा, एक जेरोक्स कॉपी के साथ, और बस सही चीज़ें हैं। और टाइम से आधा घंटा पहले सेंटर पहुँच जाइएगा आप, और बिल्कुल एक फ्रेश माइंड से रिलैक्स मोड में जा करके आप पेपर को अटेंड कीजिएगा। और बहुत ज़्यादा रश मत कीजिए अभी से लेकर के कल तक, कल आपका एग्ज़ाम है तो बहुत रश मत कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, माइंड को फ्रेश करने की कोशिश कीजिए और नींद लीजिए, सोइए अच्छे से, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, माइंड फ्रेश रहेगा, रीजनिंग के पजल्स खासकर बहुत तेज़ी से बनेंगे, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो बस सही सारी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी, और बाकी कुछ डाउट्स आपके रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये दो सेशन अभी रिसेंट आए हैं एक्सपेक्टेड पेपर, उसे आप जरूर से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, यानी कि कल मिलेंगे हम लोग, कल एग्ज़ाम के एनालिसिस के साथ लाइव फ्रॉम द सेंटर मैं आऊँगा, और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम की सही एनालिसिस मैं आपको लेके आऊँगा आपके लिए। तो कल मिलेंगे, तब तक आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, क्वालिफाई कीजिए और सरकारी नौकरी पाइए। थैंक यू, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।